19 फरवरी साल 2024 अमेरिका के कैलिफोर्निया में दो लोगों की मुलाकात हुई। एक थे दुनिया के सबसे लंबे आदमी सुल्तान कोसिन और दूसरी दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे। तुर्की के रहने वाले सुल्तान कोसिन की हाइट 8 फीट 3 इंच और भारत की रहने वाली ज्योति आमगे की हाइट 2 फीट 0.7 इंच है। अपनी हाइट की वजह से दोनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दोनों की हाइट में करीब 6 फीट से ज्यादा का अंतर है। जब दोनों को एक साथ देखा तो ये नजारा अद्भुत था। दोनों को एक साथ देखा तो मन में एक सवाल भी आया, दुनिया में किस देश के लोग सबसे लंबे और किस देश के लोग सबसे कम हाइट के हैं। फिर एक वेबसाइट में छपी ई लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट में निगाह पड़ी तो पाया पिछले 100 साल में कई देशों के लोगों की एवरेज हाइट बढ़ी है। वहीं NFSH यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 100 सालों में भारतीय महिलाओं की हाइट में पुरुषों के मुकाबले 2 गुना इजाफा भी हुआ है। फिर ई लाइफ साइंस की एक दूसरी रिपोर्ट पर निगाह पड़ी जिसे पढ़कर हैरानी भी हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर चौथा नाटा बच्चा हमारे देश भारत का है और तो और पड़ोसी देश चीन के युवा हाइट के मामले में भारत के युवाओं से आगे निकल रहे हैं। इसके साथ तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, भारतीयों की एवरेज हाइट कितनी है, इस मामले में वो पूरी दुनिया में किस पायदान पर है, क्या हाइट का बढ़ना या कम रह जाना डाइट से जुड़ा है या फिर ये जेनेटिक है। एक वेबसाइट में छपी ई लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 180 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट वाले पुरुषों की बात करें तो वो दुनिया के सिर्फ 5 देशों में है। वो देश हैं नीदरलैंड, बेल्जियम, एस्टोनिया, लातविया और डेनमार्क। नीदरलैंड के पुरुषों की एवरेज हाइट 182.5 सेंटीमीटर है। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा हाइट वाली महिलाएं लातविया देश की हैं जिनकी एवरेज हाइट 169.8 सेंटीमीटर है। इसके बाद नीदरलैंड, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक और सर्बिया की महिलाएं हाइट में सबसे लंबी होती हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है पूर्वी तिमोर, जहां रहने वाले पुरुष दुनिया में सबसे नाटे कद के हैं जिनकी एवरेज हाइट 169.8 सेंटीमीटर है, जबकि सेंट्रल अमेरिका के एक देश ग्वाटेमाला की महिलाएं कद में सबसे नाटी होती हैं जिनकी एवरेज हाइट 149.4 सेंटीमीटर है। दुनिया में सबसे कम लंबाई वाले महिलाओं में दक्षिण एशिया के 2 देश बांग्लादेश और नेपाल भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देशों की लिस्ट में भारत के पुरुष हाइट के मामले में 178वें पायदान पर हैं तो महिलाएं 192वें पायदान पर हैं। दुनिया में कम हाइट वाली महिलाओं की टॉप 10 लिस्ट में भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। पिछले 100 सालों में यूरोप के कई देशों के लोगों की एवरेज हाइट बढ़ी है। एशिया में भी कई देश ऐसे हैं जहां के लोगों की एवरेज हाइट कम थी लेकिन अब उनकी हाइट बेहतर हुई है। वहीं भारत में महिलाओं की हाइट में पुरुषों के मुकाबले 2 गुना का इजाफा हुआ है। 100 साल पहले भारत की महिलाओं की एवरेज हाइट 147 सेंटीमीटर थी, मौजूदा वक्त में इनकी एवरेज हाइट 153 सेंटीमीटर है, यानी 100 सालों में महिलाओं की हाइट कुल 6 सेंटीमीटर बढ़ी है। वहीं 100 साल पहले भारतीय पुरुष औसतन 162 सेंटीमीटर लंबे होते थे, मौजूदा वक्त में भारतीय पुरुष की एवरेज हाइट 165 सेंटीमीटर है, यानी इनकी हाइट महज 3 सेंटीमीटर बढ़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में टीनएजर्स यानी जिनकी उम्र 11 से 19 साल की है उनकी हाइट उम्र के हिसाब से ठीक से नहीं बढ़ रही। गलतफहमी है कि चीन में छोटे कद के लोग होते हैं। हकीकत यह है कि भारत, बांग्लादेश और नेपाल के मुकाबले चीन के टीनएजर्स की एवरेज हाइट सबसे ज्यादा है। भारत के 19 साल के लड़कों की एवरेज हाइट 5.46 फीट है, वहीं चीन के 19 साल के लड़कों की एवरेज हाइट 5.76 फीट है। ये जो अंतर है वो 0.30 फीट का है। वहीं 19 साल की चीन की लड़कियों की हाइट 5.35 फीट, वहीं भारत की 19 साल की उम्र की लड़कियों की हाइट 5 फीट है, यानी दोनों की हाइट का अंतर 0.35 फीट का है। वहीं दुनिया में सबसे कम BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स वाले देशों की लिस्ट में भारत के टीनेजर्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया का हर चौथा कम हाइट का बच्चा भारत में है।
इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक रिसर्च के मुताबिक पोषण आहार की कमी से भारत में बच्चों की हाइट दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले 20 सेंटीमीटर कम रही है। भारत के करीब 4 करोड़ बच्चों की लंबाई उम्र के लिहाज से कम है। अगर 5 साल के कम उम्र के बच्चों की हाइट की बात करें तो पूरी दुनिया के 31% बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट उम्र के हिसाब से कम है। वहीं भारत को छोड़कर बाकी सभी देशों के बच्चों में 22.4% बच्चे नाटेकद के, वहीं भारत में 35.5% बच्चे नाटेकद के, यानी इन सब बच्चों की हाइट उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ी। NFSH यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 3 स्टेट ऐसे हैं जहां बच्चों में नाटेपन की दर सबसे ज्यादा है। मेघालय में 46.5%, बिहार में 42.9% और उत्तर प्रदेश में 39.7% बच्चे कम हाइट के हैं। एक्सपर्ट की माने तो बच्चों की कम हाइट का सीधा संबंध उनके न्यूट्रिशन से है। भारतीय बच्चों की हाइट में प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिशंस की कमी है, जबकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। ऐसे में शरीर का ठीक से विकास नहीं होता। दरअसल विटामिन और प्रोटीन युक्त आहार की कमी से डाइट पर असर पड़ता है। हर साल बच्चे एवरेज 6-7 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, लेकिन सही से न्यूट्रिशंस नहीं मिलने से उनकी हाइट ठीक से नहीं बढ़ती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।